हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय हब क्लासेस चैनल आज हम पढ़ेंगे रोला छंद की परिभाषा व उदाहरण जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है यह परिभाषा बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछी जाती है जैसे कि आप इस पेपर में देख सकते हैं देखिए सोरठा अथवा रोला की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए तो इसमें भी देखिए रोला की परिभाषा पूछी जा रही है और एक पेपर यह है इसमें भी देख सकते हैं तो देखिए इस पेपर में देखेंगे रोला छंद अथवा सोरठा छंद की परिभाषा दीजिए और उसका एक उदाहरण दीजिए तो देखिए इसमें भी रोला छंद की परिभाषा पूछी गई है तो स्टूडेंट रोला छंद की परिभाषा बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए आप इसे याद कर लेना इससे आपके दो नंबर पक्के हो जाते हैं तो स्टूडेंट सबसे पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे परिभाषा अब आगे पढ़ेंगे यह चार पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है इसमें आठ चरण होते हैं इसके प्रत्येक चरण में ग्यारह और तेरह के विराम तक चौबीस मात्राएं होती हैं तो स्टूडेंट परिभाषा क्या कहती है यह चार पंक्तियों वाला एक समात्रिक छंद है तो स्टूडेंट सबसे पहले यह समझेंगे कि समात्रिक छंद किसे कहते हैं यानी जिस छंद की मात्राएं समान होती हैं वे समात्रिक छंद कहलाते हैं तो स्टूडेंट रोला छंद की मात्राएं समान है तो इसलिए यह चार पंक्तियों वाला एक समात्रिक छंद है तो स्टूडेंट इसके उदाहरण को देखेंगे कि चार पंक्तियां किस प्रकार से होती हैं यानी यहां से और इस ब्राम तक ये हो गई इसकी पहली पंक्ति और यहाँ से और यहाँ तक इसकी ये हो गई दूसरी पंक्ति और यहाँ से और यहाँ तक ये इसकी तीसरी पंक्ति हो गई और यहाँ से और इस ब्राह्म तक ये हो गई इसकी चौथी पंक्ति तो इस प्रकार से इसमें चार पंक्तियाँ होती हैं तो स्टूडेंट आगे क्या कहती है इसमें आठ चरण होते हैं तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि इस उदाहरण में आठ चरण किस प्रकार से होते हैं यहाँ से और इस कोमा तक का भाग ये हो गया इसका पहला चरण और यहाँ से और इस ब्राम तक का भाग ये हो गया इसका दूसरा चरण तो स्टूडेंट इस प्रकार से एक पंक्ति में दो चरण होते हैं तो आगे यहाँ से और इस कोमा तक का भाग ये हो गया इसका तीसरा चरण और यहाँ से और इस ब्राम तक का भाग ये हो गया इसका चौथा चरण और यहाँ से और इस कोमा तक का भाग ये हो गया इसका पाँचवा चरण और यहाँ से और यहाँ तक ये हो गया इसका छठा चरण और यहाँ से और इस कोमा तक का भाग ये हो गया इसका सातवां चरण और यहाँ से और इस ब्राम तक का भाग ये हो गया इसका आठवां चरण इस प्रकार से इसमें आठ चरण होते हैं तो आगे देखेंगे इसके प्रत्येक चरण में ग्यारह और तेरह के विराम तक चौबीस मात्राएं होती हैं जैसे कि इस उदाहरण में देखेंगे यहां से और इस कोमा तक ये हो गई ग्यारह मात्राएं और यहाँ से और इस विराम तक यहाँ हो गई इसमें तेहरा मात्राएं तो इस प्रकार से इसमें कहा गया है कि ग्यारह और तेहरे के ब्राम तक यानी यहाँ से इस कोमा तक और कोमा से इस ब्राम तक ग्यारह मात्राएं और तेहरा मात्राओं के ब्राम से चौबीस मात्राएं होती हैं जब ग्यारह और तेहरे मात्राओं को ऐड करेंगे एक जगह तो चौबीस मात्राएं बैठेंगी तो इस प्रकार से एक पंक्ति में चौबीस मात्राएं होती हैं तो अगली पंक्तियों में भी इस प्रकार से मात्रा दी होती हैं यानी यहाँ से और इस कोमा तक ग्यारह मात्राएं और यहाँ से इस ब्राह्म तक तेहरा मात्राएं इस प्रकार से इतने भाग में ग्यारह ग्यारह मात्राएं और इसके इतने भाग में तेरह तेरह मात्राएं दी होती हैं कि हर पंक्ति में चौबीस चौबीस मात्राएं हैं, हैं इसलिए इसे सममात्रिक छंद कहा गया है तो स्टूडेंट इसका उदाहरण पढ़ेंगे जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी जिनके आगे ठहर सके जंगी नहाजी हे ये बही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिबाजी तो आप देखेंगे कि इसमें लघु गुरु की मात्रा किस प्रकार से लगाई गई है यहाँ पर जय दिया है इस पर बड़ाई की मात्रा है तो यहाँ पर गुरु का चिन्ह लगा है और यहाँ पर तय दिया है और इस पर बड़ाई की मात्रा है तो इस पर भी गुरु का चिन्ह लगा है और यहाँ जय है उसके साथ बड़ा लगा है तो इसलिए इस पर गुरु का चिन्ह लगा है और यहाँ पर तय है इस पर बड़ाई की मात्रा दी गई है तो इस पर गुरु का चिन्ह लगा है और यहाँ है पर छोटे ऊ की मात्रा लगी है तो इस पर लघु लगाया गया है और यहाँ पर बड़ाई की मात्रा है तो इस पर गुरु लगाया गया है तो इस प्रकार से हमारा एक चरण कम्प्लीट हो गया है तो आगे अब दूसरे चरण में देखेंगे यहाँ पर जय दिया है इस पर ई की मात्रा लगी है तो इस पर लघु का चिन्ह लगा है यहाँ पर है मे को नैड है और बड़ाऊ की मात्रा लगी है तो यहाँ पर गुरु का चिन्ह लगा है और यहाँ नै पर छोटे ए की मात्रा लगी है तो गुरु का चिन्ह दिया है और यहाँ पर भय है और इसके साथ बड़ा की मात्रा है इसलिए इस पर गुरु का चिन्ह लगाया गया है और यहाँ पर रे है तो इस पर लघु का चिन्ह लगा है और यहाँ पर तय है तो इसलिए इस पर लघु का चिन्ह लगाया गया है और यहाँ बे के साथ बड़ा की मात्रा लगी है तो इस पर गुरु का चिन्ह लगाया गया है और यहाँ पर जय पर बड़ाई की मात्रा लगी है तो गुरु का चिन्ह लगाया गया है इस प्रकार से हमारा दूसरा चरण भी कंप्लीट हो गया है तो इस प्रकार से सभी पंक्तियों में लघु गुरु की मात्राएं लगा लेते हैं तो आप देखते हैं इसमें पहले चरण में ग्यारह मात्राएं किस प्रकार से होती हैं और तेहरे मात्राएं इसमें किस प्रकार से होती हैं तो इसकी मात्राओं की काउंटिंग करते हैं ये गुरु दिया है यानी गुरु पर दो मात्राएं होती है इसकी काउंटिंग दो करते हैं और जो ये लघु दिया है इसकी मात्रा एक होती है इसकी एक काउंटिंग करते हैं तो इस प्रकार से इनकी काउंटिंग करेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह तो इसमें पहले चरण में कितनी मात्राएं हो गई ग्यारह तो आगे गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह इस प्रकार से इसमें दूसरे चरण में हो गई तेरह मात्राएं इसमें ग्यारह हैं और इसमें तेरह हैं इस प्रकार से इसमें चौबीस मात्राएँ हो जाती हैं यानी एक पंक्ति में चौबीस मात्राएँ हो जाती हैं अब इसकी अगली पंक्ति में काउंट करके देखेंगे इसमें भी ग्यारह तेरह मात्राएँ हैं या नहीं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह इसके तीसरे चरण में भी ग्यारह मात्राएं हो गई हैं अब इसके चौथे चरण में काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तो इसके चौथे चरण में भी तेरह मात्राएं हो गई हैं यानी इसके इतने भाग में ग्यारह ग्यारह मात्राएं होती हैं और इतने भाग में इसके तेरह तेरह मात्राएं होती हैं हर पंक्ति में इस प्रकार से चौबीस मात्राएं होती हैं चाहे तो आप अगली पंक्ति में भी काउंट कर सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह इसमें कितनी होगी ग्यारह मात्राएं अगली में देखेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तो इसमें तेरह मात्राएं होगी आगे देखेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह इसमें कितनी होगी कौमा तक ग्यारह अगले चरण में देखेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह प्रकार से इतने भाग में ग्यारह ग्यारह मात्रा हो गई और इतने भाग में तेरह तेरह मात्राएं हो गई तो इस प्रकार से ग्यारह व तेरह के ब्राम तक इसमें चौबीस मात्राएं होती है तो हर पंक्ति में इसके चौबीस चौबीस मात्राएं मिलती हैं तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमारी रोला छंद की परिभाषा व पर उदाहरण कंप्लीट हो गए हैं तो स्टूडेंट वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम